तो सबसे पहले एक काम वासना क्या है? जैसे एक दिया है, एक दिया का जो दिए में जो बत्ती होता है, बत्ती जब जलता है तो जलता हुआ ये जो दिया है उससे क्या निकलता है? उससे रोशनी निकलता है, उससे थोड़ा सा गर्मी और रोशनी निकलता है। उसी प्रकार से जो आत्मा है दिया जैसा, दिए जैसे जो आत्मा है, आत्मा से जैसे दिए से रोशनी निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार से आत्मा से जो है चेतना निकलता है। और वो चेतना में क्या होता है? इच्छा होता है, इच्छा शक्ति होती है। और जो इच्छा शक्ति होती है, आत्मा का स्वाभाविक इच्छा शक्ति, और वो स्वाभाविक इच्छा शक्ति जब भगवान के प्रति उसको समर्पित किया जाता है तो उस इच्छा शक्ति को बोलते हैं प्रेम। यानी हर आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है इच्छा करना। हम सब कुछ ना कुछ इच्छा करते हैं ना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इच्छा करता है। इच्छा किए बिना क्या कोई रह सकता है? कोई कह सकता है मुझे मेरा कोई इच्छा नहीं? अगर कोई इच्छा नहीं भी हो तो भी कम से कम सांस तो लेते हैं, खाना तो खाते हैं। अगर कोई इच्छा नहीं होगा तो खाना भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, सांस भी नहीं लेंगे। यानी हर जीव के अंदर क्या होता है? इच्छा होता है, डिजायर इंग्लिश में बोलते हैं, एक डिजायर। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिजायर होता है, डिजायर के बिना आत्मा रह नहीं सकती। तो ये जो डिजायर है, ये जो इच्छा है, और ये इच्छा अगर भगवान की संतुष्टि के लिए यूज किया जाए तो वो इच्छा को बोलते हैं प्रेम। वांछा या इच्छा, भगवान को संतुष्ट करने का जो इच्छा है, भगवान संतुष्ट करने की जो डिजायर है उसको बोलते हैं प्रेम। और वही डिजायर जब हम अपने लिए यूज करेंगे, हम अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए, अपने इंद्रियों को सुखी बनाने, सुख देने के लिए जब हम उसी डिजायर को उपयोग करेंगे, उसी को बोलते हैं काम। हाँ, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तार बले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, शास्त्र बताया गया है। एक ही इच्छा, अगर वो कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने के लिए अगर यूज किया जाए, कृष्ण को खुश करने के लिए यूज किया जाए, तो वो इच्छा को प्रेम कहते हैं। अगर वही इच्छा अगर अपनी खुद की शरीर और इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए यूज करें तो उसी को बोलते हैं काम। तो काम और प्रेम अल्टीमेटली एक ही शक्ति है, एक ही है, लेकिन काम और प्रेम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। काम होता है अपनी इंद्रियों के लिए सुख के लिए, और प्रेम होता है भगवान के सुख के लिए। तो ओरिजिनली आत्मा का जो इच्छा शक्ति है वो भगवान के प्रति है, यानी प्रेम है। और वही प्रेम जब ये यानी अज्ञान से घेरा हुआ रहता है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, वही जो शक्ति है, वही इच्छा शक्ति को हम अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए हम उपयोग, तो यही काम है। यानी भगवान के प्रति जो प्रेम है, जब वो अज्ञान से या माया से आच्छादित हो जाता है तो वो प्रेम ही काम के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे दूध दही बन जाता है, दूध में अगर कोई खटाई डालते हैं तो क्या हो जाता है? दही बन जाता है। तो दूध और दही में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सिर्फ वो इतना ही अंतर है कि वो परवर्टेड फॉर्म है उसका। उसी प्रकार से जो हमारा ओरिजिनल प्रेम भगवान के प्रति जो है वो दूध जैसा है, तो उसमें जब खटाई डाल जाता है, उसमें जब अज्ञान डाल देते हैं, तो उसी के कारण वो जो प्रेम है वो काम वासना करता है।